सो हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज कुमार हैन। वेलकम टू द पीआर स्कूल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह से ग्रिड मेथड को यूज़ करके किसी भी ड्राइंग को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मेरा कोई मन नहीं था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है सब अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट सभी लोग इस टॉपिक ग्रिड मेथड के बारे में जानते हैं। बट फिर भी मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही है कि मैंने कुछ ऐसे बिगिनर्स देखे हैं जो ग्रिड मेथड को यूज़ करना तो जानते हैं, ग्रिड मेथड से ड्राइंग बनाना बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बट ग्रिड मेथड को यूज़ करते टाइम कुछ मिस्टेक्स वो कर देते हैं। सो उन्हीं मिस्टेक्स को मैं आज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग नहीं जानते ग्रिड मेथड के बारे में, उनको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। जिस भी पिक को ड्रॉ करना होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह से ब्लॉक्स बनाए जाते हैं एंड सेम ब्लॉक्स अपनी शीट पर भी बनाए जाते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स की मदद से किसी भी पिक की आउटलाइन को निकाला जाता है। ग्रिड मेथड में हमें दो बातों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। पहला जो है, ग्रिड को कैलकुलेट करना आना चाहिए एंड सेकंड जो है, हमारा ग्रिड एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रिड को कैलकुलेट कैसे करते हैं और क्यों कैलकुलेट करने की हमको ज़रूरत पड़ती है। सो दोस्तों, अगर हम अपने ड्राइंग का साइज़ पिक के साइज़ जितना ही रखना चाहते हैं, तब तो ग्रिड को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ प्रिंट और ड्राइंग का साइज़ सेम है। अगर आप ड्राइंग को, किसी भी ड्राइंग को किसी पिक्चर से बड़ा बनाना चाहते हैं, चाहे वो प्रिंट से देखकर बना रहे हैं, चाहे या फिर अपने किसी फ़ोन से देखकर किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आप ड्राइंग को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में गाइस, आप जब भी ग्रिड को बनाएंगे, तो ग्रिड को बनाने से पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि उसका साइज़ क्या रखना चाहिए पेज के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट था, ग्रिड को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। एंड सेकंड वाला था, हमारा ग्रिड परफेक्ट होना चाहिए। सो किस तरह से ग्रिड को ड्रॉ करें कि वो एकदम परफेक्टली बने, चलिए आइए ये भी जानते हैं। सो दोस्तों, एक परफेक्ट तरीके से ग्रिड बनाने के लिए, मान लीजिएगा अगर आप अपने फ़ोन में से किसी पिक्चर को देख कर अपने पेज के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप अपने फ़ोन में ड्राइंग ग्रिड मेकर नाम का एक ऐप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड अपने पिक्चर के ऊपर ग्रिड बना लीजिए उस ऐप की मदद से, और देखिए उस पिक्चर में कितने ग्रिड बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं और वर्टिकल लाइंस कितनी है, और सेम ही लाइंस को हम अपने पेज के ऊपर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी कि उतने ही आपको लाइंस अपने पेज के ऊपर ड्रॉ करनी है, किस तरीके से करनी है। मान लीजिए यहाँ पर जो आप पिक देख रहे हैं, इसके इस पर इसकी जो लाइंस है, जो वर्टिकल लाइंस है, सो वर्टिकल लाइन में 8 ब्लॉक्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उस साइड में टोटल 13 ब्लॉक्स मैंने बनाए थे। सो गाइस, हमारी जो A4 शीट है और A4 शीट की इस साइड की जो लेंथ है, इसकी लेंथ लगभग 21 सेंटीमीटर की है, और जिस साइड में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी एंड बेस की इस साइड की लेंथ लगभग 30 सेंटीमीटर की है, जिसमें वर्टिकल लाइंस आएगी एंड हमारी पिक्चर के ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग 13 ब्लॉक्स थे। सो फ्रेंड्स, अभी हमको 13 ब्लॉक्स अपनी शीट पर लगाने के लिए क्या करना है। सो गाइस, हमारी शीट की लेंथ जो इस साइड की थी लगभग 30 सेंटीमीटर की थी। मान लीजिएगा अगर हम एक ब्लॉक 2 सेंटीमीटर का बनाते हैं, तो हमको 13 × 2 = 26 सेंटीमीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी पेज की लेंथ तो 30 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 26 सेंटीमीटर जो है हम अपने ब्लॉक्स के लिए रखेंगे एंड जो 4 सेंटीमीटर है उसको हम 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ देंगे और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ देंगे।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। हमारा जो पेज की इस साइड की लेंथ थी 30 सेंटीमीटर और हमको 26 सेंटीमीटर चाहिए 13 ब्लॉक्स बनाने के लिए। सो 4 सेंटीमीटर हमारे एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ देंगे एंड 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नीचे से छोड़ देंगे और बीच में जो 26 सेंटीमीटर हो गए उसमें हम 13 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने ये दो डॉट लगाए हैं, इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम लाइन लगा देंगे, एक ऊपर की ओर भी लगा लेंगे और नीचे की ओर भी लगा लेंगे। बट गाइस, लाइंस लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, जब भी ग्रिड की लाइंस ड्रॉ करनी है वो बहुत ही ज़्यादा लाइटली ड्रॉ करनी है। अभी मैं वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पेंसिल को प्रेशर से मैं लाइन को लगा रहा हूँ ताकि वीडियो में आप अच्छे से देख सकें लाइंस को। बट आपको ड्राइंग करते टाइम इस तरह से कभी भी लाइंस को नहीं लगाना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। गाइस, अगर आप पेंसिल को प्रेशरली यूज़ करके अपनी ग्रिड को ड्रॉ करोगे तो उसका नुकसान क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। एनीवेज गाइस, अभी हम 13 पॉइंट लगा लेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए होंगे। सो दोनों साइड, पेज के दोनों साइड में लगाने हैं हमको 13। इस साइड में भी हमको 13 लगा लेने हैं एंड पेज के इस साइड में भी हमको 13 पॉइंट्स लगा लेने हैं। और इस साइड की हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाने से पहले हमको वर्टिकल लाइंस के लिए भी पॉइंट्स चाहिए होंगे। सो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइंस के लिए भी पॉइंट्स लगा लेते हैं। सो वर्टिकल लाइंस के पॉइंट लगाने के लिए भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा गाइस। हमारी जो शीट की इस साइड की लेंथ थी वो लगभग 21 सेंटीमीटर की थी और हमको 8 ब्लॉक्स लगाने के लिए 16 सेंटीमीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो 21 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर को हम माइनस कर देंगे और जो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बचेंगे उसको 2.5 का डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड से छोड़ देंगे एंड 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम राइट साइड से छोड़ देंगे, जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए 2 सेंटीमीटर का छोड़ा था। एंड जब हमारे पॉइंट्स बिल्कुल परफेक्ट लग जाएंगे तो उसके बाद हम अपना फ्रेम कुछ इस तरह से तैयार कर लेंगे, हमारे ग्रिड की आउटसाइड की जो लाइंस थी वो कवर हो जाएंगी। सो दोस्तों, अभी हम अपने पॉइंट्स को लगाकर दोनों तरफ की लाइंस को अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग हम परफेक्ट तरीके से लगा लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारा ग्रिड बन के रेडी है और जो एक्स्ट्रा लाइन है हम इसको इरेज कर देंगे। बट गाइस, हमारी जो लाइंस है वो ज़रा भी इरेज नहीं हो रही क्योंकि हमने पेंसिल को बहुत ही प्रेशरली यूज़ किया था। सो यही कारण है कि जब भी आप ग्रिड को बनाएं ड्रॉ करें तो आप पेंसिल से बहुत ही ज़्यादा लाइटली ड्रॉ करें, ज़रा भी पेज के ऊपर प्रेशर ना डालें। क्योंकि गाइस, जब भी हम पेंसिल से प्रेशरली अपनी शीट पर ड्रॉ करते हैं तो आइए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के ऊपर कुछ किस तरह से हमारा पेज डैमेज हो चुका है और पेंसिल से प्रेशरली यूज़ करने की वजह से हमारे पेज के ऊपर कुछ इस तरह का स्क्रैच आ चुका है। सो ऐसी लाइंस ना तो इरेज करने से रब होती है, उल्टा अलग से हमको हमारी शीट के ऊपर ये ऐसे स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं जिससे हमारी ड्राइंग बहुत ही बेकार लगती है। सो चलिए दोस्तों, अभी टाइम आ चुका है हमारा ग्रिड मेथड के बारे में जानने के लिए कि किस तरह से हम अपने आउटलाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। आई नो, बहुत देर से आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे इस पल का। सो गाइस, किस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप अपने ब्लॉक्स को देखकर कि नेक्स्ट ब्लॉक में कैसी लाइन आएगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक की लाइन रहेगी, कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होता है। ये इतना तो आप सभी जानते हो, आई नो आप सभी जानते हो गाइस, आप बहुत ही होशियार हो। एनीवेज गाइस, अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताऊंगा। सो मान लीजिए हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, 6 नंबर का जो ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला जो ब्लॉक्स है। सो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे लाइन के कुछ यहाँ पर एंड अभी नेक्स्ट वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। सो पॉइंट, जो जब पॉइंट लग जाएगा उसके बाद ही हम अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे। डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा ऊंच नीच होगी तो हमारी जो आउटलाइन परफेक्ट नहीं आएगी। सो यही मैं आपको बताना चाहता था, ये भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है ग्रिड मेथड से किसी भी आउटलाइन को निकालने की। सो अभी नेक्स्ट वाला जो पॉइंट हमारा लाइन का था वो लगभग यहाँ पर था और पॉइंट लगाने के बाद ही हम अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे।
सो गाइस, इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं, किसी भी ड्राइंग की आउटलाइन निकाल सकते हैं। एंड मेन यही बात का ध्यान रखना है ग्रिड मेथड में कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने से पहले एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट लगा लेना है, उसके बाद ही लाइन को ड्रॉ करना है। सो गाइस, अगर आप मेरी इस बात को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी ड्राइंग की, चाहे वो आँख हो, नाक हो, कान हो, आप किसी भी स्ट्रक्चर को ईजिली ड्रॉ कर पाएंगे। सो गाइस, यही था कंप्लीट ग्रिड मेथड। आई थिंक मुझे कंप्लीट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी गहराई में जितना ज़्यादा डूबते जाओगे उतना ही हमको सीखने को मिलेगा। सो मैं कंप्लीट नहीं कहूँगा, बट फिर भी ड्राइंग कर ग्रिड मेथड यूज़ करते टाइम कुछ मिस्टेक्स को मैंने क्लियर कर दिया, और किन किन बातों का ख्याल रखना है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। और इसी के साथ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपका एक लाइन हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। सो इसीलिए गाइस, वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलेगा, एंड कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें एक बंदा अगर सवाल करता है, अपना क्वेश्चन रखता है, और एक बंदे की वजह से अगर 1000 लोगों को उसका आंसर मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो इसीलिए गाइस, अपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर रखें, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन की वजह से 1000 लोगों का भला हो सकता है। एंड गाइस, ये जो मैं पिक्चर की आउटलाइन निकाल रहा हूँ, इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगी विद शेडिंग के साथ, और आप बताइएगा उसमें अपने ओपिनियन रखना। सो इसी के साथ बाकी की वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी ना जाए वीडियो, एंड आप वीडियो को एंजॉय करें।